अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज मेरठ में 62,22,00,000 के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि विकास एक सतत प्रयास व प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। जब से देश में मोदी व प्रदेश में योगी की सरकार आई है, पूर्व की सरकारों की तुलना में विकास कार्यों को गति मिली है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो आज इस मामले में पूरे देश में यूपी नंबर वन है। इससे पहले उन्होंने कमिश्नरी सभागार में समीक्षा बैठक कर सफाई व्यवस्था में और सुधार की बात कही। इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर उन्होंने यह कहा, आज लगभग 62,50,00,000 रुपए की 67 परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ। ये विभिन्न परियोजनाएं, मुझे आशा है कि लोगों की जन समस्या को दूर करने में और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होंगी। मित्रों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है, और जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको आपने शासन की बागडोर सौंपी है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, उनकी क्षमता के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर कि विकास कितनी तेजी से होता है। हमें बहुत संतोष है, बहुत हर्ष है और बहुत गर्व है कि देश में 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। अगर प्रदेश में आप 2017 से पहले की स्थिति की कल्पना करें और उसकी तुलना आज से करें तो बेहद सकारात्मक परिणाम सामने परिलक्षित होते हैं। क्या कानून व्यवस्था थी 17 के पहले और आज पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर पर। इस दौरान महापौर सुनीता वर्मा ने नगर निगम की समस्याओं पर उनका ध्यान आकर्षित किया। से यूज़ रहे हैं, उन सबको शहर में रोजगार मिल जाए। अगर आप ये निस्तारण, बिजली निस्तारण का प्लांट स्वीकृत कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नगर निगम में कार्यकर्ता संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के स्थान पे पहले की तरह उनकी संविदा बहाल की जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए नगर विकास मंत्री ने यह जानकारी दी, 62,22,00,000 रुपए की लागत के 67 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं और हमारी प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने के लिए, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जन समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर है। और कल से मैं यहाँ हूँ, जो जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जो संज्ञान में लाई समस्याएं, उन सबके ऊपर बहुत तीव्र गति से कार्य होगा और हम आशा प्रकट करते हैं कि मेरठ देश में अपना अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी आगामी दिनों में मेरठ अग्रणी रहेगा, सभी योजनाओं में अग्रणी रहेगा। धन्यवाद। तीन क्यों छोड़ दी उन्होंने? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया और सरकार के बाद विपक्ष की भूमिका भी कभी निभाई? सिर्फ सो के उठे और एक ट्वीट कर दिया और उसके आधार पर जनता उनको सीटें दे देगी? वो किसी कल्पना में न रहे। जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें पाके सरकार
पुनः बनाएगी। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भी नगर विकास मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।